लोगों ने प्लानिंग के चैप्टर में बहुत कुछ कवर कर लिया था एंड इस वीडियो से हम लोगों को स्टार्ट करना था हमारा लिमिटेशंस वाला पार्ट। ठीक है, हम लोग बिगिन करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए एंड ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे इस वीडियो में। अब लिमिटेशंस किसी भी चीज की, मतलब क्या वो चीज हमें रुकावटें दे देती है, एक तरह से क्या ड्रॉबैक्स आते हैं, रुकावटें मतलब आगे बढ़ने के लिए, या क्या वो चीज हमें हिंडर कर देती है, ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है, रोक देती है एक जगह पे। तो प्लानिंग प्रोसेस जो होती है उसकी भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस तो होंगी। वो अप्लाई करने, मतलब जब हमने प्लानिंग प्रोसेस अप्लाई करना स्टार्ट किया तो उसके बाद कुछ ना कुछ चीज तो ऐसी आएगी ना जिसकी वजह से हम थोड़ा लिमिट हो जाएंगे, हम थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। तो क्या रिस्ट्रिक्शंस हमें प्लानिंग देती है, सबसे पहले तो क्या है, गारंटी से स्टार्ट करते हैं। तुमने कोई प्लान उठाया, तुम अभी मेहनत कर रहे हो, पर तुम्हारे रिजल्ट की भी, मैं थोड़ा सा रूट साउंड करूंगी यहाँ पे, बट तुम्हारे रिजल्ट की भी कोई गारंटी नहीं है अभी। सिमिलरली प्लानिंग में पूरी प्रोसेस जो चलती है उसमें इतनी मेहनत करने के बाद, इतना एफर्ट डालने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद जो रिजल्ट है ना, उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो रिजल्ट हमें हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ही मिलेगा या ना मिलेगा। मतलब क्या कि प्लानिंग में कोई गारंटी नहीं होती है हमारे पास एंड रिजल्ट की, हम सिर्फ मेहनत, हम सिर्फ ट्राई कर सकते हैं, अपना एफर्ट दे सकते हैं, हमें रिजल्ट नहीं पता। ठीक है, इसके बाद प्लानिंग में क्या होती है, एक रिजिडिटी हो जाती है। जो प्लान हमने सोचा है हमें उसी प्लान के मुताबिक चलना पड़ता है, हम उस प्लान में बंध जाते हैं, हम और कुछ नहीं सोच पाते, हम और कुछ नहीं कर पाते, तो इसमें एक रिजिडिटी भी आई एंड उसी वजह से क्या हुआ, हमारी जो क्रिएटिविटी हो सकती थी, हमारे जो इनोवेशन हो सकते थे, हमारे जो आइडियाज हो सकते थे, वो सारे भी रिड्यूस हो जाते हैं, वो सारे लिमिट हो जाते हैं। डन, क्लियर। इतना इसके बाद आता है कि प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनामिक सिचुएशंस। डायनामिक सिचुएशंस मतलब क्या, ऐसी सिचुएशंस जो क्या होती है, जो कीप्स ऑन चेंजिंग, है ना। बट हमने तो क्या किया, हमने एक प्लान बना लिया और हम उसी प्लान के मुताबिक चलेंगे। अब जो हमारा प्लान था, अगर हमारे सामने एक नई सिचुएशन आ जाए, हमने तो प्रिपरेशन उस प्लान के हिसाब से करी थी, है ना, फिर हम उस नई सिचुएशन को कैसे डील करेंगे। सो प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनामिक सिचुएशंस, मतलब ऐसी सिचुएशंस में प्लानिंग नहीं काम करती जब आपका क्या है, बहुत ज़्यादा बिजनेस में या चीज़ों में चेंजेस आते हैं। जैसे बेस्ट एग्जाम्पल हो गया स्टॉक मार्केट, उसमें कोई प्लानिंग नहीं चल सकती। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉस्ट। सो प्लानिंग जो पूरी प्रोसेस होती है ये बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली होती है, मतलब इसमें अच्छा खासा पैसा लगता है, क्योंकि हमें सब चीज़ें एनालाइज, सब चीज़ें हमें देख के करनी पड़ती है एंड उसी के साथ ये क्या है, ये एक कंज्यूमिंग प्रोसेस है, मतलब इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, मतलब उसमें बहुत सारा एफर्ट की हमें नीड होती है। ठीक है, सिंपल चीज़ थी, इंपॉर्टेंट चीज़ थी, आते क्वेश्चंस इसमें से। अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है, प्लानिंग प्रोसेस क्या होती है, उसके सारे जो स्टेप्स हैं वो इम्पोर्टेंट है। अब हर प्रोसेस में स्टेप्स होते हैं, मतलब ये स्टेप्स है ना, ये सब सीक्वेंस में चलते हैं। सबसे पहला स्टेप आता है हमारे पास कि हम अपना ऑब्जेक्टिव, हम अपना गोल सेट करते हैं कि हमें प्लानिंग करनी है, किसके लिए करनी है, मतलब हमें हमारी सेल्स बढ़ानी है, हमें हमारा प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो जो भी प्लानिंग चलती है उसके लिए पहले हम उसका एक गोल, एक टारगेट सेट करते हैं कि हम इस चीज़ के लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें क्या टारगेट अचीव करना है। ठीक है, तो प्रीमिसेस मतलब क्या, हमारे अजम्पशंस, जो प्लान को फॉलो करने के लिए हमारे अजम्पशंस होते हैं कि देखो प्लान होता है तो वो फ्यूचर की ही बात करता है। प्लान में हमें क्या क्या अजम्पशंस लगाने हैं कि ऐसे चीज़ हमें फॉलो करनी है, अगर मेरे को अपनी सेल्स बढ़ानी है तो मेरे को अपने प्रोडक्शन में क्या चीज़ें इंप्लीमेंट करनी होगी। सो हर मैनेजर को अजम्पशंस लगाने पड़ते हैं। प्रीमिसेस मतलब यही होता है जो अजम्पशंस वो लगाते हैं, जो अजम्पशंस वो लगाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब हमने हमारे मेथड्स या प्लान्स अभी तक आइडेंटिफाई करे कि हमारे पास ये गोल है, तो उस गोल तक पहुंचने के हमारे पास क्या क्या रास्ते हैं, हमने वो रास्ते चूज करे, फिर हमने देखा कि कौन से रास्ते में, इवैल्यूएट करा सब रास्तों को, हमने देखा कि कौन से रास्ते में सबसे कम
नेगेटिव्स है, मतलब सबसे कम गड्ढे हैं, और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव्स है। जिस भी रास्ते में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव्स हैं और सबसे कम नेगेटिव्स हैं, हमने उसको चूज़ कर लिया, हमने उसको क्या कर लिया, हमने उसको फिर सिलेक्ट कर लिया कि इस प्लान के मुताबिक हम चलेंगे हमारे गोल की तरफ। फिर हमने हमारे एम्प्लॉयज़ को उसको कन्वे किया, हमने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाया, हमने उस चीज़ को क्या करवाया, एग्जीक्यूट करवाया, हमने उस प्लान को एग्जीक्यूट करवाया। एंड फिर हमने उसको फॉलो अप एक्शन भी देखा, मतलब हमने चेक रखा कि जैसा हमने सोचा था वैसा ये प्लान चल रहा है कि नहीं चल रहा है, एंड उस पर ध्यान रखा। सो हमारा मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर, मेजर पोर्शन ऑफ द चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। एंड अब हमारे पास बचता है टाइप्स ऑफ प्लान्स। हम लोग बिगिन करें हमारे ऑब्जेक्टिव्स से। सो ऑब्जेक्टिव्स में हर वो चीज़ आ जाती है जो हमारे गोल से, हमारे एम से, हमारे टारगेट से रिलेटेड होती है। तो कोई भी प्लान जो हमारे गोल्स को डिसाइड करे या हमारे टारगेट्स को डिसाइड करे, वो आ जाता है हमारे ऑब्जेक्टिव्स के अंडर। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी मतलब जब दो लोगों के बीच में या हम जब कभी किसी से कुछ कम्पीट करते हैं तो हम उसके अगेंस्ट स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो यहाँ पे किसकी बात आ जाती है, कॉम्पिटिशन की बात आ जाती है, कॉम्पिटिटर्स की बात आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलिसीज। तो पॉलिसीज वही जो एक ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं पे हर एम्प्लॉय को हर वो गाइडलाइन फॉलो करनी है। एंड यहाँ पे ये क्या है, ये सिंपल जेनरिक होती है, ये जेनरिक गाइडलाइंस होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोसीजर। तो मतलब जो सारी स्टेप्स हमें फॉलो करनी है एक पर्टिकुलर प्लान में, या उसके लिए भी हमें जो स्टेप्स बनानी है, वो आ जाता है हमारा प्रोसीजर्स के अंदर। एंड नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेथड्स। मेथड्स मतलब करने का तरीका। मेथड और प्रोसीजर को कंफ्यूज मत करना। प्रोसीजर में स्टेप्स आती हैं और मेथड में हमारे पास फॉर्मूला आता है कि हमें किस तरीके से करना है। जैसे मैथ्स में या अकाउंट्स में तुम कोई क्वेश्चन करते हो तो उसका मेथड अलग होता है, उसकी स्टेप्स अलग होती है। सिमिलरली यहाँ पे मेथड में आ जाता है कि वो तरीका क्या है, वो फॉर्मूला क्या है, और प्रोसीजर में आ जाता है कि वो स्टेप्स क्या हमें लेनी है। इसके बाद रूल्स हैं। तो रूल्स मतलब बेसिक ऑब्लिगेशंस, बेसिक ड्यूटीज़ जो हर किसी को फॉलो करनी होती है। एंड देन वी हैव बजट। तो बजट मतलब जब भी वर्ड बजट आए, समझ जाओगे यहाँ पे बात हो रही है मॉनेटरी टर्म्स की। सो बजट प्लान्स मतलब वही जहाँ पे हम पूरा मॉनेटरी बेसिस में चीज़ों को देखते हैं। एंड लास्ट में हमारा आ जाता है प्रोग्राम। तो पूरी चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन हो जाता है, वो आ जाता है हमारे प्रोग्राम के अंडर। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर हुआ ख़त्म। वीडियोस आती रहेंगी, तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो जब तक आए तब तक के लिए कमेंट्स में आओ, बात करते हैं।